सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है और आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ वो है कि ऑडिशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ऑडिशन में क्या यह पूछा जाता है कि आपके पास एक्टिंग सीखने का या आप एक्टिंग सीख चुके हैं इसका कोई सर्टिफिकेट है क्या। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आप लोगों के ही सवाल हैं जो मेरे पास हर रोज़ कोई ना कोई ज़रूर पूछता है कि सर ऑडिशन में डॉक्यूमेंट्स कौन से मांगे जाते हैं और एक्टिंग नहीं सीखा है मैंने तो क्या मैं ऑडिशन दे सकता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप तक हर वो जानकारी पहुँच सके जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, जिनका भी ये सवाल रहता है आपके माइंड में हमेशा ये सवाल आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में होगा रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए कि आपको और कौन से सवाल हैं आपके पास जिसका मैं आप मुझसे आप जवाब चाहते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब आप ऑडिशन में जाते हैं, ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, उस ऑडिशन हॉल में या ऑडिशन लेने वाला इंसान कभी भी आपसे किसी डॉक्यूमेंट की गुजारिश नहीं करता है और या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपसे नहीं मांगा जाता है। कोई डॉक्यूमेंट, किसी प्रकार की किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आप जाते हैं तो दो तीन चीज़ें, मतलब दो तीन या चार चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि फैक्ट है। फैक्ट ये है कि आप जब जाते हैं तो आपका नाम, आपकी उम्र क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप करेंटली कहाँ रहते हैं, स्पेशली अगर कोई न्यू कमर है और आप ऑडिशन दे रहे हैं तो आप ज़्यादा करके आप मुंबई में ऑडिशन दे रहे हैं तो बताइए आप मुंबई के किसी ऐसे जगह का नाम जहाँ आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है, उसके बाद आपसे कोई चीज़ नहीं मांगा जाता है, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं मांगा जाता ऑडिशन में। तो अगर ये आपका डाउट है तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि कभी भी कोई भी ऑडिशन लेने वाला इंसान आपसे किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करता है। हाँ, स्पेशली कभी कभार अगर आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे जो फेमस प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहाँ हो सकता है कि आपसे सिंटा आर्टिस्ट कार्ड के बारे में पूछा जाए, अगर आपके पास हो तो ठीक। कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं, जिनके पास सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड है वही लोग इनवाइटेड हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं कि इन्हीं लोगों की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आपको वहाँ नहीं जाना है। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ऑडिशन में क्या ये भी पूछा जाता है कि मैं किस इंस्टीट्यूशन से सीख कर आया हूँ या फिर मैंने एक्टिंग सीखी है या नहीं सीखी है। इस सवाल के जवाब में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे कभी भी कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपने एक्टिंग सीखी है या नहीं सीखी है। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए तो आप एक्टिंग सीखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक्टिंग आती है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए तभी आप ऑडिशन के लिए जाइए। इन शॉर्ट, आप अगर फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है कि आपके पास जो एक्टिंग की कला है, जो स्किल चाहिए एक एक्टर के लिए, वो चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप जाइए ऑडिशन देने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एक्टिंग स्कूल से सीखो या फिर आपने ड्रामा किया हो नहीं किया हो, बट अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए या फिर अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, अगर आपके बॉडी मूवमेंट्स अच्छे नहीं हैं, आपकी जो माइंड बॉडी एंड वॉइस की जो सिंक्रनाइजेशन है वो ठीक नहीं है, या किसी भी प्रकार की कमी
आपको खुद के अंदर लगती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, उस माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। चाहे आप YouTube वीडियोस देखिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप सीखिए, या फिर थिएटर ज्वाइन कीजिए, जहाँ भी आपकी सुविधा हो, जहाँ की भाषा आपको समझ में आए, ये ज़रूरी है। तो ही अगर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं लग रही है तो बेशक आप जाइए ऑडिशन दीजिए, और काम मिलता है तो काम कीजिए। बट काम करने के लिए, ऑडिशन देने के लिए आपको मुंबई आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली अगर टीवी इंडस्ट्री हो या फिर सिनेमा इंडस्ट्री हो, अगर आपको काम करना है तो मुंबई इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर बीइंग एन एक्टर। तो बस आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा उन तक ये जवाब पहुँच सके। नमस्ते।